Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel The Yambarzal. Hope you all are doing good. मेरे वीडियोस का हमेशा यही मोटिव रहता है कि मैं एक पॉजिटिव स्टोरी जो है आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ अपने इस व्लॉग के थ्रू, और आपको वो काइंड ऑफ मोटिवेशन मिले कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी ड्रीम्स पे फोकस किया और उनको पूरा करने की कोशिश की, उसके लिए मेहनत की और सफल भी रहे. ये स्टोरी यासिर रशीद की है जिन्होंने एक कैफ़े ओपन किया है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, और उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को प्रेफरेंस देके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रेफरेंस देके अपना रोज़गार खुद जनरेट करने की कोशिश की है, और अपने साथ साथ 7 एम्प्लॉयज़ को भी उनका रोज़गार भी जो है उन्होंने जनरेट किया है. उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उनके कैफे का जो है एक व्यू देखते हैं कि कैसा थीम बेस्ड उन्होंने ये जो कैफे है स्टैंड किया है. इसके लिए मैं स्टार्ट किया था ग्रेजुएशन से, मैं फिर मैंने किया स्टार्ट रूरल डेवलपमेंट में. तो बचपन से ही मुझे कुकिंग का थोड़ा स्किल थे, मैं घर में बनाता था वही छोटे छोटे डिशेस. फिर मैंने थोड़ी बहुत काउंसलिंग ली कुकिंग के बारे में श्रीनगर से, और मेरे 2-3 फ्रेंड्स के रेस्टोरेंट भी थे लोकल में यहाँ पुलवामा में, उनसे इंस्पायर होकर फिर मैंने सोचा कि मैं अपना छोटा मोटा रेस्टोरेंट डालूँ. शुक्र खुदा का कि मेरे पास 7-8 एम्पल आए हैं. एक तो मैं खुद भी एडजस्ट हो गया इस लाइन में, 7-8 एम्प्लॉय मेरे लिए. सो दैट मींस कि एक तो आपने सेल्फ एम्प्लॉय भी खुद को किया और आपने वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट की बाकियों के लिए. तो आपके अंडर अभी 7 एम्प्लॉयज यहाँ पे काम करते हैं जो एक हैंडसम सैलरी कमाते होंगे. इसमें है कि थोड़ा टाइम तो स्ट्रगल, हाँ स्ट्रगल इस लाइन में स्ट्रगल नहीं है, मगर इसमें है कि आपको कंपटीशन में उतरना है. जब मैं उतरा मुझे अभी हो गया 3.5 साल पुलवामा में. शुक्र खुदा का कि मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आया लोकल पुलवामा से भी, आउटसाइड टाउन से भी, शुपियन से भी, अनंतनाग से. यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वैरायटी मिलेगी फूड में, फास्ट फूड भी, या बिरयानी सबकी फेवरेट होती है उसमें भी वैरायटीज हैं, और चाइनीज फूड भी यहाँ पे अवेलेबल है. कश्मीरी वाजवान जो स्पेशल है कश्मीर में,